हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस 2018 की टॉपर श्रीमती मुक्ता राव के रीसेंट इंटरव्यू के बारे में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। आरएएस परीक्षा 2018 में प्रथम रैंक प्राप्त कर टॉपर रहने वाली मुक्ता राव ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़कर आरएएस की तैयारी शुरू की और दूसरे ही चांस में क्या टॉपर बन गई थी। इससे पहले भी 2016 वाला जो आरएएस का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें भी इन्होंने साक्षात्कार तक ये गई थी और 848वीं रैंक जो है इन्होंने प्राप्त करी थी। परंतु उस समय क्या हुआ था, उन्होंने हार नहीं मानी और फिर आगामी की परीक्षा की जो तैयारी है उसके साथ वापस से वो जो 2018 के लिए है वो जुट गई थी और दूसरे ही प्रयास में जो है वो आरएएस एग्ज़ाम की टॉपर भी बन गई है। मुक्ता शादीशुदा होने के साथ साथ 10 साल के बेटे की माँ है और 10 साल का जो बेटा है उसी को ये अपना इंस्पिरेशन भी मानती है। 10 साल के बेटे ने जो है इन्होंने 10 साल के बेटे ने जो है वो मुक्ता जी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। इनके पति जो है वो विजयपाल ढाका मणिपाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। मुलता झुंझुनू की रहने वाली मुलता का ससुराल सीकर में है और वह खुद जयपुर में सिरसी रोड पर रहती है। मुक्ता ने बताया कि 2005 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, इन्होंने एमसीए करा है और यूनिवर्सिटी टॉप भी करी है, ठीक है। इसके बाद इन्फोसिस में जॉब भी कर रही थी और आरएएस के लिए फिर इन्होंने क्या करी, जॉब को छोड़ दिया और इसकी तैयारी में जुट गई। मुक्ता अपनी सफलता का श्रेय जो है वो अपने ससुर को देती है, इसके अलावा जो अपने जितने भी इन-लॉज को जो है वो अपनी सफलता का श्रेय देती है, अपने बेटे को सफलता का श्रेय देती है जिन्होंने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, ठीक है। अब इन्होंने 2016 का जो साक्षात्कार हुआ था, 2016 वाला एग्ज़ाम था, उसमें 848वीं रैंक थी तो इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, तो इन्होंने फिर वापस से तैयारी करी, ठीक है। इन्होंने हार नहीं मानी और पूरी शिद्दत के साथ आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट गई और 2018 के रिजल्ट में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करके यह साबित कर दिया कि यदि संयमित भाव से पूरी ऊर्जा व उत्साह के साथ नियमित तैयारी की जाए तो एक दिन मन वांछित सफलता जरूर मिलती है। जैसा कि इन्होंने जॉब छोड़ दिया था और काफ़ी सालों से जो है ये हाउसवाइफ की तरह काम कर रही थी तो दिन में जो है ये लगभग 5 से 6 घंटे रेगुलर जो है ये पढ़ती थी, ठीक है। तो इनसे ये हमें ये सीख मिलती है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार दो बार असफल हो जाते हैं, ठीक है, और तो हम तैयारी छोड़ दें या फिर डीमोटिवेट हो जाए, बल्कि मोटिवेट होकर दुगना एनर्जी के साथ जो है हमें वापस से तैयारी करनी चाहिए। तो मेरी जो असफल अभ्यर्थियों को तो शुभकामनाएं और जो असफल अभ्यर्थी है उनसे यही अपील है कि आप जो है दुगनी ऊर्जा के साथ जो है वापस से जो है आरएएस की तैयारी करें। हो सकता है कि आप आरएएस की जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें टॉपर बनकर निखरे, क्योंकि और साथ में मुक्ता जी की से एक और हमें सीख मिलती है कि 40 साल की उम्र में जो है उन्होंने आरएएस जो है एग्ज़ाम को टॉप करा है। तो उम्र जो है, उम्र की सीमाएँ जो है, बाधाएँ जो है वो किसी को रोक नहीं सकती है। मतलब मन में अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो किसी भी उम्र में कोई भी लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकता है। बस आवश्यकता है एक लक्ष्य की, डेडिकेशन की। तो वो अगर हम कंसिस्टेंसी अगर उसको फॉलो करें तो एक दिन सफलता निश्चित ही मिलती है। तो अभी हम कुछ क्लिप्स को भी देखेंगे जिसमें मुक्ता जी के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई हैं अपने बारे में, तो आइए उसको देखते हैं। तैयारियाँ की गई थी, एक सफलता हासिल की आपने। सर मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे उन सीनियर्स के, उन आईएएस टॉपर्स के जिन्होंने सफलता हासिल की थी, तो मैंने देखा कि मुझ में कौन सी कमी रह गई थी जो उनकी स्ट्रैटेजी से मैच नहीं हो रहा था। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी थी कि बहुत सारे रिसोर्सेज के बजाय लिमिटेड रिसोर्सेज हों और उनको रिपीट किया जाए। दूसरा मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम रिविजन के लिए हमारे पास कंटेंट सिर्फ इतना होना चाहिए 20-30 पेज जो हम एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर पाएँ, और मल्टीपल रिविजन इज दी ओनली की कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करते रह जाए तो सर सफलता मिल जाती है। ये प्रक्रिया अल्टीमेटली पूरी तो होती ही है, ये अभी थोड़ा टाइम ले रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। अभी रिसेंट कुछ कमेटी बनाई गई है श्री एम एल कुमावत जी की अध्यक्षता में, और उनकी रिकमेंडेशंस को यदि इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम हर साल वैकेंसीज आएंगी और हर साल हम इसको देख पाएंगे। और आपके माध्यम से मैं कैंडिडेट्स को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम देखते हैं UPSC हर साल एग्जाम करवाती है, हर साल रिजल्ट आते हैं, हमारे यहाँ कैंडिडेट्स कोर्ट पहुँचते हैं और वो अननेसेसरी बहुत लंबा डिले हो जाता है।
तो मेरे सारे भाइयों बहनों जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कोर्ट का दरवाज़ा कम से कम खटखटाया जाए ताकि हम हर 12 महीने बाद में एक वैकेंसी को देख पाएँ और इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। ये एक अननेसेसरी डिले है जो इस प्रोसेस को बहुत लंबा कर देता है। सर देखिए, आयुषी ये है मुख्तराब और उनके बच्चे हैं जो उनके मोटिवेटर हैं, जो हमेशा से मम्मी को मोटिवेट करते थे कि मम्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।